इस तक घरेलू हिंसा की 6 और एनआई एक्ट की एक महत्वपूर्ण फाइल गायब हुई है। चौंकाने वाला मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ न्यायालय से सामने आया, जहां से घरेलू हिंसा और एनआई एक्ट की 7 महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने के बाद हड़कंप मच गया है। संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला जज द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जाँच के लिए। तो चौंकाने वाली खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एनआई एक्ट की फाइलें अचानक गायब हो गई, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से जांच की बात कही गई है। कि माधवगढ़ के ग्रामीण न्यायालय में कुछ फाइलों के होने की प्रार्थना पत्र थाने पर कोर्ट के कर्मचारी के द्वारा दी गई थी। उसी संबंध में फाइल पंजीकृत कर अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 लोगों को नामने का अभियुक्त बनाया गया था, उसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी 2 अन्य की तलाश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे पूरे गहराई से छानबीन की जाएगी और अपनी कार्रवाई की जाएगी। और मामला शामली के कैराना का है, जहां पर नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मी मुकेश गुरुवार शाम करीब 4 बजे मोहल्ला बेगमपुरा में सफाई करने के लिए गया हुआ था। तभी आरोप है कि चौक बाजार में स्थित एक मार्केट मालिक के 2 लड़कों ने उसके साथ में गाली गलौज और मारने की धमकी दी। किसी तरह वह मौके से जान बचाकर कार्यालय में पहुंच गया। उधर घटना के विरोध में सफाई कर्मचारियों में आक्रोश है। इसके बाद दर्जनों सफाईकर्मी सफाई यूनियन के अध्यक्ष सुभाष चंद के नेतृत्व में एसडीएम से मिले और मामले की लिखित शिकायत की गई। हम अब इन मांगों को लेकर आएंगे। सबसे पहले तो जो हमारी केंद्र सरकार ने भी प्रदेश सरकार ने भी एक वादा किया था कि किसानों का 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, वो आज तक वे अपनी कसौटी पे खरे नहीं उतरे और गन्ने के भुगतान को एक एक वर्ष हो जाता है, 14 दिन की तो बात क्या है। आज गन्ने का भुगतान सबसे लेट हो रहा है। और आपके क्या मुद्दे हैं? हमारी मुद्दे ये है कि गन्ने का रेट महंगाई के दृष्टिगत 450 रुपये होना चाहिए और जो पेट्रोल डीजल पर इन्होंने इतनी भारी वृद्धि की है, इस वृद्धि को वापस ले, और जो गैस पर वृद्धि हुई है उसे वापस ले, जो बिजली की दरें बढ़ी हुई है उन्हें वापस ले, और जो हमारे ये तीन कृषि काले कानून किसानों पर के जालौन में। के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर पिछले दिनों के न्यूज़ ने